हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी मैं आपको। फुल वीडियो है इसमें कटिंग और स्टिचिंग का। तो देखिए, अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे और एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है यहाँ पर। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मैं यहाँ पर 14 इंच रख रही हूँ क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखनी है। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। मेज़रमेंट्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर लिए हैं। और 36 साइज़ में शोल्डर आर्महोल्स रखने हैं आपको 7 इंच। आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो मैंने चार्ट का वीडियो अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दी जाएगी, आप मेज़रमेंट देख सकते हैं बोट नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर और आर्महोल्स का। तो मैंने शोल्डर और आर्महोल्स यहाँ पर 36 साइज़ में 7 इंच रखे हैं इस तरीके से। अब यहाँ से आपको चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो 36 साइज़ का ये ब्लाउज है, उसका 4th पार्ट चौथा भाग होगा 9 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। और 1 इंच की यहाँ पर आर्महोल्स की गुलाई कर देनी है 1 इंच पर इस तरीके से। अब यहाँ पर कमर का चौथा भाग लेना है आपको। 30 कमर है, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में जो हम प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए। 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है यहाँ पर। हमें ये बोट नेक ब्लाउज में और हाई नेक कॉलर वाले ब्लाउज में करना होता है, डीप नेक में नहीं करना होता है शोल्डर को डाउन, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैं आपको जो कटिंग का तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से, और इसमें फिटिंग भी अच्छी आती है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि आप लोग आपकी कटिंग के अकॉर्डिंग, मेरी दिखाई हुई कटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने ब्लाउज़ बनाया है और फिटिंग बिल्कुल अच्छी आई है। तो देखिए, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ करके सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लिया है, और मैं इस ब्लाउज़ को बैक ओपन पे बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन पे भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको 1/2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेना होगा हाई हुक की पट्टी के लिए। अभी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है प्रिंसेस कट के लिए, और बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है इस तरीके से। 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेने के बाद बैक पार्ट को मैंने ऊपर रखा है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए, और उसके बाद हम एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली। अब हमें आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे तरफ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये हमने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट के लिए, तो ये आपको मार्जिन के अलावा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमने आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, और नीचे से लंबाई में 1/2 इंच लिया है। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट की टोटल लंबाई हो गई है वो 14.5 इंच हो गई है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग की है। अब दोनों पार्ट को साथ में रख के शोल्डर को डाउन कर देंगे। तो देखिए, इस तरीके से जो मार्किंग की है हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शोल्डर डाउन कर दिया है इस तरीके से। और गले की चौड़ाई जो रख रही हूँ मैं 4.5 इंच पर रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे 4 इंच या 5 इंच तक भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहें तो। वैसे 4.5 इंच बिल्कुल बराबर, बिल्कुल परफेक्ट आती है। यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करनी है, तो वो हम करेंगे विड्थ में 3 इंच पे। विड्थ में लिया है 3 इंच पे और टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पर इस तरीके से। लाइन ड्रॉ करके नीचे की तरफ मिला देना है, और इस लाइन को आर्महोल्स की तरफ मिला देना है हमें। यहाँ से देखिए, हमारा आर्महोल्स पे ऊपर से आ रहा है 4.5 इंच। यहाँ से विड्थ में लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया है यहाँ से मैंने, और यहाँ से लेंथ में लिया है 2 इंच, 2 इंच लिया है। अब क्या करना है, हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप कर देंगे हम इस तरीके से। और ये जो हमने 1/2 इंच नीचे से लिया था उसे हमने इस तरीके से तिरछी लाइन बनाकर कम भी करना होता है। आर्महोल्स की गोलाई हम स्टिचिंग के समय पर देंगे, और इस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। ये जो 1/2 इंच हमने लाइन ड्रॉ करी इसे भी हम कम कर देंगे इस तरीके से।
तो देखिए हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है, अभी हमें स्लीव्स कटिंग करनी है। तो 1.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन का छोड़ देंगे और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे। और ये जो आर्म होल से ये नापने हैं हमें, तो ये आ रहे हैं हमारे 7 इंच, उसमें 1/2 इंच हम प्लस कर देंगे क्योंकि फ्रंट आर्म होल्स हमारा गहराई करने के बाद बढ़ जाता है, इसलिए मैं 1/2 इंच इसमें प्लस करके लेती हूँ। और देखिए बचे हुए कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। स्लीव्स की लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच लंबाई ली है मैंने स्लीव्स की, आप चाहें तो बड़ी भी रख सकते हैं। और 7.5 इंच आर्म होल्स जो हमने नापे थे बैक पार्ट के, ये वाले आर्म होल्स वो हम यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे, एक बॉक्स बना लेना है आपको। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से आपको डाउन करना है 2.5 इंच पे। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो 3 इंच पे डाउन करना है आपको, और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे स्लीव्स का शेप दे देना है। तो ये मेरा बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का। 1.5 इंच साइड से मैंने मार्जिन का बढ़ा लिया है और 1.5 इंच यहाँ से भी बढ़ा लिया है। स्लीव्स राउंड है 12, उसका हाफ ले लेंगे 6 इंच। उसके बाद हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे इसकी। तो देखिए स्लीव्स हमारी कट चुकी है, मैं सभी साइज़ की स्लीव्स इसी तरीके से कटिंग करती हूँ। और देखिए हमने यहाँ पर गहराई भी कर दी है 1/2 इंच की। उसके बाद हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर, देखिए मैंने इस तरीके से सभी पार्ट को रख लिया है और कटिंग कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसमें नेक पे लगाने के लिए मैंने 2 बुकरम के पीस लिए हैं आगे पीछे के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट का बताती हूँ। तो देखिए हमने बुकरम के पीस को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। आपके पास अगर पेपर पेस्टिंग होती है तो आप वो भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करके इसे ऊपर से सीधा कर लिया है, इसे कट कर लूँगी इस लाइन को मैं, तो एकदम गले के यहाँ से फिनिशिंग हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब क्या करना है, हमें गले की चौड़ाई नाप लेनी है। गले की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 4.5 इंच, आप चाहें तो 4 इंच भी रख सकते हैं। और जो गले की लेंथ है वो रख रही हूँ 4 इंच। चौड़ाई 4.5 इंच ली है और लेंथ 4 इंच ली है, आप चाहें तो 4.5 इंच तक या 5 इंच तक भी ले सकते हैं बोट नेक में। और इस तरीके से हमें बोट नेक का शेप कर देना है, फैलाना नहीं है बोट नेक को हमें ज़्यादा, क्योंकि बोट नेक को हम फैलाते नहीं हैं, सिर्फ हल्का सा शेप देते हैं राउंड में। और 1/2 इंच यहाँ से छोड़ते हुए हमें कट कर देना है, इससे हमारे गले की जो चौड़ाई है वो बराबर रहती है। ये देखिए हमारा फ्रंट नेक कट चुका है, अब मैं आपको बैक का बताऊंगी। तो बैक के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बुकरम का पीस लिया है, आप जितना भी लंबाई में रखना चाहते हैं उतना लीजिएगा लंबाई चौड़ाई में। गले के ऊपर से चौड़ाई रखी है मैंने 4.5 इंच और लंबाई रख रही हूँ 11 इंच, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और नीचे से लेना है हमें 4.5 इंच ही, मैंने अभी यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग की है, पर 4.5 पे ही करनी है आपको। या अगर आप नीचे से बड़ा या और ज़्यादा ब्रॉड रखना चाहते हैं तो और भी ब्रॉड कर सकते हैं। एक मार्किंग मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर की है और ऊपर एक छोटा नेक ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद एक मार्किंग 1.5 इंच छोड़ के करूँगी मैं। तो यहाँ पर हम स्क्वायर नेक की डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर 4.5 इंच लिया है इस तरीके से। अगर आप ऊपर से ब्रॉड करना चाहते हैं तो 5 इंच लीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे से 4.5 इंच लिया है और ऊपर से भी मैंने 4.5 इंच लिया है इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पर मीडियम ही रखना है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है, तो मैं यहाँ पर 4.5 इंच पे ही मार्किंग करके इसे एकदम स्क्वायर कर लूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे की तरफ कोई और डिज़ाइन भी ले सकते हैं, मैंने और भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस के वीडियो अपलोड किए हुए हैं बोट नेक के चैनल पर, अपलोड है आप लोग देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने स्क्वायर को साइड से बढ़ा लिया है, ये हमने एक्स्ट्रा बुकरम ले लिया है साइड से, अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको फिनिशिंग के साथ इसे बनाना बताऊंगी। यहाँ से भी हम 1/2 इंच छोड़ते हुए ही कट करेंगे, इससे हमारे गले की जो चौड़ाई है वो एकदम बराबर रहती है। ये अगर आप कट इस तरीके से कट करते हैं तो आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गले की चौड़ाई को।
और ये वाला नेक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, स्क्वायर नेक पीछे से। इसे मैं बैक ओपन पे बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन या साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए हमारा नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही स्टाइलिश दिखेगा ये पीछे से। हमने इसे ओपन कर लिया है इस तरीके से, हम इसे अलग अलग ही रेडी करेंगे। तो सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अभी हम नेक को साइड में रख देते हैं, हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे सबसे पहले। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरीके से पिन लगाकर रखा है और इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप इसे रेडी करें, कोई भी सल या क्रीज अंदर की तरफ ना रहे, हाथ से कपड़े को फिनिशिंग करते जाएं और पिन ज़रूर लगा लें। पिन लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है हमारे कपड़े में। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है, सेंटर में बिल्कुल हल्का एक छोटा कट लगा लेंगे और यहाँ पर चौक से मार्किंग कर लेंगे हम। अब प्रिंसेस कट वाला पार्ट लेना है, दोनों पार्ट को इस तरीके से रखना है आमने सामने, पिन लगा लेना है और जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके बराबर से हम इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक में हमेशा थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि इस तरीके से हमें जोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा होता है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। ये देखिए दोनों पार्ट इसी तरीके से रेडी करना है आपको। अब हम इसे अटैच करेंगे, तो अटैच हमेशा आप ध्यान रखें कि नीचे से आपको ऊपर की तरफ ही करना होता है, इस तरीके से। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही इसे आपको सिलाई लगाना है। इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेना है और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से रेडी करना है। देखिए पफ बिल्कुल बराबर आया है हमारा। देखिए दूसरा भी मैं आपको करके बताती हूँ, इसी तरीके से आपको अटैच करना है, बिल्कुल खींचना नहीं है। आर्महोल्स तरफ से जो भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि हम इसे आर्महोल्स की गहराई में कट कर देते हैं, तो ये हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है जब हम ये वाला पार्ट अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब ये दोनों आर्महोल्स तरफ से इसे मैंने बराबर करके पिन लगा ली है और ये गहराई हमें करनी है हाफ इंच पे, हाफ पौना एक इंच पे आपको ये गहराई इस तरीके से कर देनी है। अब हम पिन निकालने के बाद इसे सिलाई लगाकर पैक कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये हमारी गहराई भी कंप्लीट हो गई है और अब हम हमारा नेक रेडी करेंगे। तो मैंने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर अटैच कर लिया है। आपका अगर चिपकाने वाला पेस्टिंग होता है तो आप इसे चिपका लीजिएगा, मैंने यहाँ पर बुकरम का यूज़ किया है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है साइड से और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब इस बुकरम की सेंटर मार्किंग करनी है नेक की हमें, तो इस तरीके से हल्का एक कट लगा लेंगे और चौक से सेंटर मार्किंग कर लेंगे। सेंटर मार्किंग करने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसकी भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे और दोनों सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा जो नेक है उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से बुकरम लगाकर आप नेक बनाएंगे तो आपके ब्लाउज में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम नेक को बीच में से कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे, छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब एक सिलाई नेक को इस तरफ करके लगाएंगे। और एक सिलाई हम ऊपर से फिनिशिंग के लगाएंगे। ये सिलाई अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप अंदर की तरफ तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए फिनिशिंग से हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, हमें बैक पार्ट को बीच में से कट कर लेना है क्योंकि हमारा बैक ओपन है। इसे आमने सामने रखकर हम सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे, मैंने कर लिया है। नेक को भी आमने सामने रखकर एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। मैं आपको एक साइड का यहाँ पर अटैच करके दिखाती हूँ, दूसरी तरफ का भी आपको इसी तरीके से करना होगा। तो ये मेरा बिना चिपकाने वाला बुकरम है, तो सबसे पहले मैं इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी इस तरीके से। इसके बाद जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ।
देखिए मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के बैक पार्ट पे लगाएंगे। इस तरीके से अच्छे से आपको सेट कर लेना है, पिन लगा लेना है। अब हमारा जो नेक बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल बुकरम के पास से चिपका के आपको ये सिलाई लेनी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी बुकरम के ऊपर ना आए, जो नेक का शेप है उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। अब आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको नेक को कट कर लेना है इस तरीके से। पूरे ही नेक पे आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं इस तरीके से। जो कॉर्नर से वहाँ पर आपको अच्छे से कट लगाने हैं। ध्यान रहे सिलाई ना कटे आपकी, सिर्फ सिलाई के पास तक आपको कट लगाने हैं। ठीक है, अब आपको पिन निकाल के इसे पलट लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे पलट लिया है, और कैंची की मदद से या कोई नोक वाली चीज़ से आप इसके कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लें। हाथ से इसे फिनिशिंग कर लें, आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस भी लगा सकते हैं, तो ये गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से बैठ जाएगा। बुकरम को बिल्कुल अंदर की तरफ कर लें और हाथ से फिनिशिंग कर लें इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं, और ये जो गले की पट्टी है उसे मैंने बाहर की तरफ रखा है। यहाँ पर मैं आपको शोल्डर जॉइंट करना बता रही हूँ, तो इस तरीके से पट्टी को बाहर की तरफ रखना है, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको शोल्डर को जॉइंट करना है। सबसे पहले एक सिलाई लगा लें इस तरीके से सीधी, फिर पट्टी को ऊपर की तरफ करके सिलाई लगानी है आपको। देखिए मैंने लगा ली, इस कपड़े को कट कर लें, और इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपके जो शोल्डर है वो फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएंगे। दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको इसी तरीके से अटैच करना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अब हम ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे अपने नेक पे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेना है। और यहाँ पर 6.5 इंच पे मैं प्लेट्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। चौड़ाई में 6.5 इंच लिया है, लंबाई में मैंने 4 इंच लिया है। तो जो आपके गले का पीछे का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्लेट्स ले लेनी है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, यहाँ पर हम हाई की पट्टी लगाएंगे। हुक की पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हुक की पट्टी हमारे जो गले का शेप है उसी में आ जाएगी। तो मैंने इसके नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा ली है पट्टी के ऊपर, और इसे एक्स्ट्रा में जो है इसे साइड से कट कर लिया है। इसे हम पलट लेंगे। कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लें और इसके ऊपर सेट कर लेना है ये पट्टी को हमें। तो यहाँ पर हमारी दो हाई बन जाएगी, और दूसरी तरफ जो हमारी डिज़ाइन है उस पर हम अंदर की तरफ हुक लगा लेंगे। तो ये यहाँ से हमारा डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। ये देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। नीचे की तरफ भी हमें इसी तरीके से हाई की पट्टी बना लेनी है, तो वो आपको इस तरीके से बनानी है। देखिए मैंने हाई की पट्टी लगा ली है, एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है आपको, और दूसरी तरफ लगानी है हुक की पट्टी। ये देखिए दूसरी तरफ लगा ली हमने हुक की पट्टी। अब हम इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे, आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्लीव्स बता रही हूँ आपको, इस तरीके से सिलाई लगाकर आपको एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके स्लीव्स रेडी करनी है।
ये देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। अब हमारे जो दोनों स्लीव्स के पार्ट है इस तरीके से इसे मिलाकर चेक कर लेना है, कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। सेंटर में कट लगा लेना है और सेंटर से ही स्लीव्स को ज्वाइंट करना है हमें। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है आपको, बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। स्लीव्स में हमने डबल सिलाई लगा ली है, अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्किंग करेंगे। तो ये सेंटर मार्किंग हमने किया है इस तरीके से, बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के पिन लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो साइड में चला जाता है। उसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी लगानी है, तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पर कमर पट्टी ली है। उसे हमने एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से अटैच कर लेना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करके लगानी है आपको। अब एक सिलाई आपको इस तरफ उल्टी तरफ फोल्ड करके इसे लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। पूरी पट्टी पे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद दोनों तरफ एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है आपको इस तरीके से। ये फिटिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए क्या करना है आपको, इंच टेप को रखना है इस तरीके से दोनों आर्म होल्स के कॉर्नर्स पे, और इसका सेंटर मार्किंग करना है। तो इस तरीके से चेस्ट और वेस्ट का सेंटर मार्किंग आपको कर लेना है। और यहाँ से चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। तो चेस्ट का है 9 इंच और वेस्ट का है 7.5 इंच। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। और देखिए यहाँ पर आपको स्लीव्स राउंड ले लेना है। तो स्लीव्स जो भी आपका राउंड होता है उसका हाफ ले लेंगे, मेरा यहाँ पर 6 है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम फिटिंग लगा लेंगे। तो जितनी सिलाई आप लेना चाहें फिटिंग में 2 या 3 आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ की भी इसी तरीके से करना है। ब्लाउज़ हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।